सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला है जो कि एक मिस्ट्री बन चुकी है। मतलब मेरे हेयर्स, इनके ऊपर तुमने इंस्टाग्राम पे मिस्ट्री बना दिया कि यार हेयर ब्लॉग दो। तो आज हम बनाने वाले हैं हेयर ब्लॉग। जैसे कि अभी मेरे बाल ऐसे हुए पड़े हैं, तो इनके लिए मुझे अब क्या करना है, मैं तुम्हें ये लाइव दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या करूंगा और मतलब कैसे मेरे बाल इतने अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के ब्लॉग में अभी मैं ऑयलिंग करने वाला हूँ। पहले हम हेयर्स की ऑयलिंग करेंगे, उसके बाद एक घंटे बाद उनको वॉश करेंगे, जिससे कि अगर तुम्हें थोड़ा डैंड्रफ भी होगा ना, तो वो तुम्हारे स्काल्प से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम हेयर वॉश करेंगे तो वो सारा, अब शुरू करते हैं, बहुत देर हो गया, मैं थोड़ा बॉडी चेक कर लूँ अपनी। ओके नाइस। आप सब लोग एक चीज़ बहुत सोच रहे होंगे कि मैं हेयर्स में कौन सा ऑयल यूज़ करता हूँ, मतलब कि कुछ ऐसा है कि बिल्कुल, मतलब कोई यूनिक ऑयल होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सब्जी बनाते हैं ना घर में, अब रिफाइंड मत यूज़ कर लेना, सरसों का तेल होता है ना, उसको यूज़ करना है बिल्कुल। या फिर तुम कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, और कोकोनट और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बस मैं ज़्यादा सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपने हेयर्स की बात कर रहा हूँ यार, मुझे कैसे पता तुम्हारे हेयर्स कैसे हैं ना। तुम कुछ भी यूज़ कर लो, फिर उससे कुछ हो जाए तो मैं अपना हेयर केयर बताता हूँ। वैसे तो मेरी मम्मी कर देते हैं, बट अब मैं व्लॉग शूट बहुत रात को कर रहा हूँ। सो गाइज, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि जैसे कि बालों की हेयर ग्रोथ तुमने बहुत कर ली और तुम ये सोच रहे हो कि हेयर फॉल नहीं होगा, मतलब हेयर फॉल नहीं बट हेयर ब्रेकेज थोड़ी बहुत तो होगी। क्योंकि यार अगर मान लो बहुत सारे बाल हैं सर में, तो अगर दिन के तुम्हारे 4-5 टूट रहे हैं तो नई रीग्रोथ भी तो हो रही है हेयर्स की, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना और ऐसे सोच के डिप्रेशन में मत जाना, और स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। मैं लेता हूँ वो अलग बात है, तुम स्ट्रेस मत लेना, मेरी वीडियोस देखो आराम से, स्ट्रेस मत लेना बस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हमारी ऑयलिंग हो गई है डन, अब हमें सिर्फ एक घंटा वेट करना है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:24 पे। हाँ, रात की बात कर रहा हूँ, रात को अभी वॉश कर देंगे, तो उसके बाद फिर शैम्पू से वॉश करेंगे, उसके बाद हेयर मास्क लगाएंगे, फिर देखते हैं एंड में बाल कैसे लगेंगे, ठीक है। तो बस वेट करो, मैं भी थोड़ा टाइम पास करता हूँ फ़ोन चला के, एक घंटे बाद हेयर वॉश करते हैं। सो हाय गाइस, एक घंटा हो गया बट अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है क्योंकि कल मेरे को शूट पर जाना है। तो अभी मैं सो रहा हूँ, अभी इस ब्लॉग को सुबह कंटिन्यू करूँगा उठ के, क्योंकि हेयर वॉश सुबह कर लूँगा ना, क्या हो गया, ठीक है। तो अभी बहुत नींद आ रही है, अभी सोता हूँ, फिर सुबह करेंगे हेयर वॉश और ब्लॉग सुबह शुरू कर दूँगा। बाय, करता हूँ सुबह स्टार्ट, सुबह मिलते हैं गाइस। राम राम भाई सारे ने सुबह उठ के, अभी तो हमारे बाल बहुत स्टिंकी हुए पड़े हैं, हेयर वॉश करके आता हूँ, उसके बाद हेयर मास्क। रात को गाइस बहुत लेट हो गया था मैं, इसलिए मैं सो गया था। तो अब मिलता हूँ मैं आपको 5 मिनट में बस हेड वॉश करके। हाय गाइस, और मैं ये शैम्पू यूज़ करता हूँ, ठीक है, और मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना किसी प्रोडक्ट को, बस मैं बता रहा हूँ नॉर्मली कि मैं ये यूज़ करता हूँ। अभी मैं इससे शैम्पू करूँगा, ये मैसेज आया, अच्छा छोड़ो, ये अभी मैं इससे शैम्पू करूँगा, उसके बाद इसका ही हेयर मास्क लगाऊँगा। सो उसके बाद देखते हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे होने वाले हैं क्योंकि मैंने लास्ट टाइम किया था तो बहुत अच्छे हो गए थे। वैसे हमेशा ही हो जाते हैं, तुम्हें वीडियोस में पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना कि मेरे बाल इतने अच्छे रहते हैं शूट के टाइम। सो चलते हैं, अभी मैंने शैम्पू कर लिया अभी, बट शैम्पू करने के बाद ना मैं बताता हूँ, कुछ जो लड़के भी होते हैं मिस्टेक करते होंगे, शैम्पू करने के बाद ऐसे बालों को रफ तरीके से ऐसे ऐसे नहीं करना भाई, सिंपल ऐसे बस
जेंटली ऐसे किया करो यार, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, इतना रब मत करना हेयर्स को, बस ऐसे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, ठीक है। अब इस हेयर्स में मेरे को हेयर मास्क लगाना है, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है, ये हेयर मास्क अप्लाई करना है। और हेयर मास्क हमेशा सिर्फ पॉइंट्स पे अप्लाई करते हैं, अंदर नहीं लगाते, मतलब हेयर जॉइंट्स पे नहीं लगाना है इसको, बार बार लगाना है। Hold on, just let us escape and fly away tonight. सो गाइस, हेयर मास्क लगा के तुम्हें 3 से 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दो बाल, और ये आईज के कॉन्टैक्ट में मत लाना, हेयर्स पीछे कर लेना अपने। तो हमारा मास्क भी हमने लगा लिया और मैंने वॉश भी कर लिया, ठीक है। इसको भी बिल्कुल टॉवल से जेंटली ऐसे कर लो, ठीक है। और मैं तो सलाह दूंगा कि ड्रायर तो सुखाए मत करो ड्रायर से, बट मेरे को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को निकलना है अभी के अभी, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकता इनको सुखाने में, थोड़ा बहुत ड्राई करना पड़ेगा। सो मैंने अभी थोड़े बहुत ड्राई कर लिए, बाकी यार मैं ज़्यादा ड्रायर यूज़ नहीं करता, तो अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा हेयर केयर रूटीन, अभी ये ना ऐसे हिलते रहेंगे जब तक पूरे ड्राई नहीं होंगे। ये था मेरा हेयर केयर रूटीन। सो गाइस, अगर मुझे पता है तुम्हारी स्किन केयर की भी बहुत डिमांड है, बट स्किन केयर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा तुम्हारे लिए पक्का। और अभी तुम हेयर केयर चेक करो, कितने प्यारे बाल हो गए मेरे। कमेंट कर देना अगर तुम्हें हेयर केयर देख के खुशी हुई है तो, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही है यार, वो तो कंपलसरी है अगर तुम मेरे चैनल पे आए हो तो। बाय गाइज़।